नमस्कार दोस्तों, आज ये देखेंगे स्लाइडिंग वॉर्डरोब के बारे में। दोस्तों यदि स्लाइडिंग वॉर्डरोब बनाना रहता है बेडरूम के लिए तो आप डिज़ाइन देख सकते हो। यदि बाथरूम में बनाना रहता है तो बाथरूम में के अभी आप डिज़ाइन देख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो दो डोर वाला यहाँ पे स्लाइडिंग वॉर्डरोब बनाया गया है और यहाँ पर सिंगल ड्रॉरें दी गई है और नीचे की साइड में है सेलों के लिए स्पेस दिया गया है और जस्ट ऊपर की साइड में यहाँ पर हैंगर के लिए स्पेस दिया गया है और इसमें जो बोर्ड है वो 25 mm का बोर्ड लगाया गया है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से बनाना रहता है तो आप 25 mm बोर्ड का यूज़ कर सकते हो। कई सब्सक्राइबर का कमेंट आता है कि हम 19 mm है तो 19 mm में भी बना सकते हो, लेकिन बेंड होने का ज़्यादा चांस रहता है। और यहाँ पे है 1/6 inch का ड्रॉर दिया गया, दूसरी साइड में यहाँ पर लेमिनेट पेस्टिंग दिया गया है। ये जो वॉर्डरोब है वॉर्डरोब का साइज़ है 6 फीट बाई 7.5 फीट का है और 2 शटर के साथ में यहाँ पर फिनिशिंग दिया गया है। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से यदि लगाना रहता है तो आप 3 इंच का सामने का बॉर्डर बाहर का लेमिनेट का भी आप यूज कर सकते हो और ऊपर की साइड में यहाँ पे लोफ्ट दिया गया है, हाइड्रोलिक वाला लोफ्ट दिया गया है। अब देख रहे हो यदि डिजाइन बनाना रहता है तो आप डिजाइन भी ऊपर की साइड में बना सकते हो और यहाँ पर खांचा है, खांचे के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा दूर रखा गया है मालिए को। और यहाँ पर जैसे बाथरूम में यदि बनाना रहता है तो आप वाटरप्रूफ वाला बोर्ड का आप यूज कर सकते हो और यदि हल्के में लेना रहता है, यदि जैसे कांच में लेना रहता है तो आप प्रोफाइल शटर का भी आप यूज कर सकते हो। प्रोफाइल जो शटर जो रहता है उसका कॉस्ट जो रहता है आपको 500 से 550 रुपये स्क्वायर फीट में पड़ जाता है। और अंदर की साइड में पूरा लेमिनेट फिनिशिंग में दिया गया है, जैसे टक्कर है टक्कर के ऊपर भी लेमिनेट दिया गया है और जैसे हाइट है हाइट के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर लोफ्ट रखा गया है और जस्ट ऊपर की साइड में सीलिंग टच किया गया वो भी लोफ्ट रखा गया है। और इस प्रकार से यदि बनाना रहता है तो आप माले में भी छोटा लोफ्ट रखवा सकते हो। दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से बनाना रहता है तो आप बेडरूम के लिए बनवा सकते हो। यदि बाथरूम जो रहता है आप बाथरूम के लिए भी स्लाइडिंग वॉर्डरोब का यूज कर सकते हो, अथवा आपको कोई भी लिविंग एरिया हुआ उसमें भी आप छोटा मोटा स्लाइडिंग वॉर्डरोब का आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे सैंपल है पूरा सिंपल वाला यहाँ पे वॉर्डरोब बनाया गया है और इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर की साइड में 1 फुट है, 1 फुट का गला रखा गया है और चैनल है सॉफ्ट क्लोज वाली यहाँ पे चैनल लगाई गया है स्लाइडिंग वॉर्डरोब की। दोस्तों यदि आपने इसका कंस्ट्रक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो उसका आप वीडियो में जाके देख सकते हो, काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं चैनलों के ऊपर, आप उसका भी आप अध्ययन करके आप देख सकते हो किस प्रकार से फिटिंग किया जाता है, कौन सी चैनल लगती है। जैसे यदि कॉस्टिंग जो रहता है इसका तो 3000 से लेके 5000 तक कॉस्ट आता है जो नॉर्मली जो स्लाइडिंग चैनल रहता है। और पूरे वॉर्डरोब की यदि कॉस्ट की बात की जाए तो 1400 से 1500 रुपये स्क्वायर फीट में कॉस्ट पड़ जाता है। सो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब।